video, then I click on the video, then I go to subscribe channel, then you know, my name or video, definitely. प्रोफाइल हमें वेस्टीज की प्रोफाइल को अच्छी
अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है कि इसकी प्रोफाइल क्या है। अब मैं आपको प्रोफाइल के बारे में बता दूं कि प्रोफाइल क्या होती है। जब भी हम अपने बहन की, अपनी लड़की की शादी किसी लड़के के यहाँ करने के लिए जाते हैं, तो उस लड़के को, उस लड़के के बारे में हम क्या चेक करते हैं? प्रोफाइल चेक करते हैं कि जो भी हमारे रोड पर लोग घूम रहे हैं, ठीक है, या हमारे किसी ने भी आंख मीच के किसी को बता दिया कि साहब एक लड़का है, ठीक है, आपकी लड़की के लिए, तो हमने आंख मीच के शादी कर दी, ऐसा करते हैं कभी? नहीं करते, सब कुछ चेक करते हैं ना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी प्रोफाइल को चेक करना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, आगे बढ़ भी रही है कंपनी, नहीं बढ़ रही है, क्लियर। दूसरी चीज होती है हमारे प्रोडक्ट, दूसरा पी क्या है? प्रोडक्ट। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ बेच रहा है, बेच रहा है नहीं बेच रहा है? Yes. पेन बेच रहा है, ये बाहर में मोटरसाइकिल की दुकान है, ये अपनी कलपुर्जे बेच रहे हैं, सामने पेट्रोल पंप है, ये अपनी पेट्रोल बेच रहे हैं, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट उनके पास है बेचने के लिए, है या नहीं है? Yes. उसी से उनका बिजनेस क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, उसी से बिजनेस आगे बढ़ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बात। और तीसरा होता है प्लान, कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें बेचना है किसी को, ठीक है, तो वो एक प्लान के तहत आगे जाता है। उसी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है क्या पता है? सोचना। इस दुनिया के सबसे सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा है? सोचना। हमारा जो ब्रेन है ना, जितना ज्यादा आप इसको घिसोगे, ठीक है, ये उतनी ही तेजी से काम करेगा। ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप थिंकिंग करोगे कि मुझे क्या करना है, ये ऑटोमेटिक आपके रास्ते को खोल देगा, आपके रास्ते ऑटोमेटिक बना देगा। तो ये तीन जो पी है हमारी, ठीक है, इन तीनों पी को अच्छे से समझने के लिए तैयार हो? यस। इसको आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप एक महीने में सीख सकते हो, दो महीने में भी सीख सकते हो, छह महीने में भी सीख सकते हो। अगर आपने तीन पी पे कमांड हासिल कर ली, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पहले पी के बारे में, ठीक है, पहला जो पी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। वैसे ही बिजनेस की जो शुरुआत हुई थी 2 जून 2004 को हुई थी, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही जो हम किसी भी कैटेगरी की तैयारी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि वेस्टिज कंपनी की शुरुआत कब हुई, चार ऑप्शन आ गए, 2 जून 5 जून 8 जून 10 जून, ठीक है, सही ऑप्शन पर टिक करो, ठीक है। तो कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 2 जून 2004 को। अभी कौन सी सन चल रही है? कौन सी चल रही है? 2019। आज कंपनी को सक्सेसफुली कितने साल हो चुकी है? 15 साल। 15 साल पूरी हो चुकी है और आज तक कंपनी की तरफ किसी ने भी कोई भी उंगली नहीं उठाई। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो इसके पास केवल 2 ऑफिस थे। कितने ऑफिस थे? 2 ऑफिस। आज कंपनी के पास कितने ऑफिस है? 50+ ब्रांच ऑफिस है। 50+ ब्रांच ऑफिस है और 5,000 से ज्यादा DLCP सेंटर है। DLCP का मतलब होता है जहां से हम ये सामान रखा हुआ है, ये सामान हम परचेज कर सकते हैं। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2004 के अंदर, तो केवल 6 लोग थे इस कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर। कितने लोग थे? 6। केवल 6 लोग थे, लेकिन आज 1,30,00,000 आज इस वेस्टिज के अंदर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। समझ में आ रहा है ये? यस। 10 प्रोडक्ट। जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो इसके पास कितने प्रोडक्ट थे? 10 ओनली 10। और आज इसके पास कितने हैं? 300 से ज्यादा प्रोडक्ट आज कंपनी के पास है। हर कैटेगरी के प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी की हमें जरूरत पड़ती है, चाहे हम मार्केट से खरीद रहे हो, चाहे किसी मॉल से खरीद रहे हो या किसी शोरूम से खरीद रहे हो, लेकिन आज के डेट में हम खरीद तो रहे हैं ना, तो उस कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट भी आज अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ आज जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो केवल 1 ही कंट्री के अंदर इसको सक्सेसफुली रन किया जा रहा था,
वो थी इंडिया यानी कि अपना ही देश, लेकिन आज ये पांच देशों में सक्सेसफुली रन कर रही है, ठीक है, जिसमें अपना इंडिया भी है, नेपाल है, बहरीन है, बांग्लादेश है और दुबई, ठीक है, ये सक्सेसफुली अपने रन कर रही है। तो कंपनी का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि ग्रोथ हो रही है। अगर ग्रोथ अच्छी तरीके से हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हमारी ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती है? यस, हो सकती है। इसलिए आज हम एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं और 2000 से ज्यादा आज कंपनी के अंदर, 2000 से ज्यादा आज कंपनी के अंदर ऐसे लोग हैं जो 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। कितने कमाते हैं? 1,00,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज लिखूंगा, क्या लिखा है? तेरा। देखो एक दूसरे को देख करके मत बोलो, ठीक है, अपना भी लॉजिक लगाओ कि इसके अंदर क्या है। ये किसी का सिंबल भी हो सकता है, ठीक है, बैठते हैं हम, बी भी लग रही है, ये अलग आया, ठीक है, ये बी भी लग रही है, ठीक है, लग रही है, नहीं लग रही बी, अगर ये थोड़ा सा अगर मिला है तो ये बी भी लग रही है, क्लियर है ना? तो मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है? बी भी लग रही है, आपको क्या लग रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन है नहीं है, कंफ्यूजन है, सबको हो रहा है कंफ्यूजन, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है, क्लियर? अब क्या आएंगे, अब क्या आएंगे, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, ये बताओ अब क्लियर हो गया? जिन लोगों ने 13 बताया था और उनका भी माइंड सेट हो गया कि ये बी ही है, ये कैसे हुआ? इसके पीछे एक लॉजिक है, हम जिस संतति में रहते हैं, ठीक है, चाहे हम गांव में रह रहे हैं, चाहे हम शहर के अंदर रह रहे हो, अगर हम 10,000 रुपए के लोगों के आसपास रह रहे हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर 1,00,000 रुपए वाला जो टेंडेंसी है, जो माइंड है, वो कभी भी नहीं आ पाएगा। अगर आप 1,00,000 रुपए महीने के आसपास के लोग रह रहे हैं कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो 1,00,000 रुपए महीने कमाते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि 10,00,000 रुपए महीने कमाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। तो ये संगत का बहुत बड़ा फर्क होता है, जब वो चीज किसी के संगत में आ जाती है, ठीक है, तो वहां पे वो चीज पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए महीने कौन कौन कमाना चाहते हैं? 10,00,000, 50,00,000, 1,00,000, 1 महीने की जिंदगी का, नहीं ध्यान रखना, 1 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपए महीने कौन कौन कमाना चाहता है? सब लोग चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उतनी ही जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? उतनी ही जबरदस्त हमको क्या करनी पड़ेगी? तैयारी भी करनी पड़ेगी। क्या आज की डेट में 1,00,000 रुपए महीने कमाना पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है, नहीं ये बताओ, पॉसिबल है? यस, कौन कौन मानते हैं पॉसिबल है? वेरी गुड, एक बार जोरदार ताली हो जाए। अपने इस वेस्टीज बिजनेस के अंदर 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जिनके आज तक आपने नाम भी नहीं सुने होंगे शायद, जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर, वोल्वो, ये सब गाड़ियां कैसी हैं? लग्जरी। अपने आसपास तो इसका शोरूम भी नहीं होगा, बात समझ में आ रही है? अपने आसपास तो इसका शोरूम भी नहीं होगा, एटा में, कासगंज में अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो सिर्फ दिल्ली जाना पड़ेगा या कानपुर जाना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको लखनऊ जाना पड़े अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है। और जब सर्विस की बात आती है ना, तो इतनी सर्विस होती है इसकी कि इतने में एक मोटरसाइकिल आ जाएगी, केवल इस गाड़ी की तो इतनी सर्विस होती है। तो 1,000 से ज्यादा हमारे पास ऐसे लोग हैं जो ऐसी गाड़ियों को अच्छी तरीके से चला रहे हैं, और
जितने भी हमारे जो तीन डायरेक्टर्स हैं, गौतम माली सर, कन्वर वीर सर और दीपक सुर सर, इनको कम से कम 15-15-20-20 साल का अनुभव है। 15-15-20-20 साल का क्या है? अनुभव है। क्योंकि देखो, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है आपको किसी भी काम को करने में, क्या वो काम आप कर पाओगे? कर पाओगे? अगर आपको कहीं सिलाई की दुकान पर बैठा दी है कि एक शर्ट सिलो, और आपने पहले कभी शर्ट ना सिली हो, तो क्या उस शर्ट को सिल पाओगे? नहीं सिल पाओगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। वेस्टीज की अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है हिमाचल बद्दी के अंदर, जहाँ पे अपने खुद के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। देखो, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, पता है? प्रोफाइल। क्या बता रहा हूँ मैं आपको अभी? जो पहला पी है, पहला पी प्रोफाइल। इसके बाद कंपनी के पास अपने उस सारे सर्टिफिकेट हैं कंपनी के पास, जो इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, GMP सर्टिफिकेट है हमारे पास, हलाल का सर्टिफिकेट है हमारे पास, IDS का सर्टिफिकेट है हमारे पास, ISO का सर्टिफिकेट है। यानी कि आप कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाएं, आपके प्रोडक्ट कभी भी किसी भी टाइप से खराब साबित नहीं हो सकते। अपने कंपनी के पास वो सारे के सारे सर्टिफिकेट है जो भारत सरकार एक लीगल कंपनी बनाने के लिए चाहिए होती है। अगर भारत सरकार ये कहती है कि आप अगर कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी चलाना चाहते हैं, तो आपके पास लीगल सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो अपनी भारत सरकार से ये कंपनी पूरी तरीके से क्या है? प्रमाणित है, पूरी तरीके से सर्टिफाइड है। और 2012 में हमारे जो MD सर हैं, उनके लिए CEO का पूरी तरीके से अवार्ड मिल चुका है कि साहब आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद इस साल कंपनी ने जो अपना टर्नओवर किया था इस साल, वो पता कितने का किया था? 1857 करोड़ का। कितने का किया था? 1857 करोड़ का, मात्र 15 साल के अंदर। आज तक इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है कि जिसने इतना बड़ा टर्नओवर कर लिया हो इतने कम टाइम के अंदर। और कंपनी का जो विजन है 2020 तक 5000 करोड़ का कंपनी बनने का विजन है, और 2025 तक 20000 करोड़ की कंपनी का इसका विजन है। और 2025 में कंपनी आज केवल 5 देशों में है, 20 देशों में होगी। कितने देशों में होगी? 20 देशों में होगी। और ये आगे बढ़ के संख्या और बढ़ गई है, 50 देशों में गौतम वाले जी का टारगेट पहुंच चुका है। और आज कंपनी की ओर से सबसे जो हाईएस्ट चेक आता है, ठीक है, वो हमारे हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। वो कौन है? मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, नोएडा से बिलोंग करते हैं। उनका एक महीने का चेक पता कितने का आता है? 1,05,69,934। क्या बात है? एक बार और बताओ। 1,05,69,934। 1,05,69,934। 1,05,00 तो मुझे भी आता, आ गई गिनती, मुझे भी याद नहीं थी, तने क्लियर कर दी। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, अप्रैल के महीने का चेक उनका 1,05,00,000 का है। आप सोचो, इतना हम पैसा जिंदगी में नहीं कमा सकते। कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते। और ये पहली कंपनी बन चुकी है अपनी वेस्टीज जो सबसे ज्यादा और हाईएस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है अपनी इंडिया के अंदर। सब कुछ क्लियर हो रहा है? ये सारी चीजें आपको कुछ सपना तो नहीं लग रही है? अगर सपना लग रही है तो देखना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपके सपने सच होंगे, 100% सच होंगे। क्योंकि जो 15 साल की वीडियो आई है, उस वीडियो के अंदर गौतम बाली जी ने क्लियर कर दिया है, आप अपना भविष्य देख सकते हैं वेस्टीज के अंदर। आप अपना भविष्य देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी से कैसी आशाएं, कैसी उम्मीदें रखते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप पा सकते हैं। उम्मीद जो होती है वो कभी भी आपको नहीं छोड़ती है, केवल आप उम्मीद को छोड़ देते हो, इसलिए आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। क्लियर? एक जोरदार तालियां हो जाए।